बंगलोर एकता कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अध्यक्ष शेख महमूद ने लोगों से अपील की है कि जब तक कोर्ट का स्टे है तब तक कोई भी व्यक्ति समलोचन सोसाइटी के प्लॉट ना खरीदे, ना भेजे, ना किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन करे। यदि ऐसा कोई करता है तो वह कोर्ट के आदेश का अपमान होगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आता तब तक हमें सभी को कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए। समलोचन सोसाइटी के अध्यक्ष शेख महमूद शेख इस्माइल इन्होंने जनता से अपील की है और साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि कलमनाग क्षेत्र की वांजरा बस्ती में कुछ भूमाफियों का गेम चल रहा है। यह भूमाफिया समलोचन सोसाइटी के कुछ नकली दस्तावेज बनाकर कुछ प्लॉट बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कुछ भूमाफियों से आम जनता को बचने की आवश्यकता है। सूत्रों के आधार पर मिली जानकारी के अनुसार यह मामला कुछ नागपुर के नामी गैंगस्टर लोगों से भी जुड़ा हुआ है। हाल ही में कुछ दिन पहले नामी गैंगस्टर रंजीत सफेलकर के खिलाफ नागपुर के तथा कामठी के कुछ प्रकरण पुलिस के सामने आए हुए हैं। उसमें से एक प्रकरण में रंजीत सफेलकर इसका भी नाम इस विवाद से जुड़ा हुआ है। विषय कैसा है कि हमारी जो लैंड है सोसाइटी की खरीदी हुई खसरा नंबर 109 ये 1987 में श्री नथुजी चिमना जी मोहतरे ने सन 1987 में समालोचन एकता कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को सौदा किया हुआ है और पूरी ज़मीन पर कब्जा दिया हुआ है। ठीक है, उसी आधार पर तारीख के मुताबिक 15/7/1987 से लेकर 30/1/2001 तक 14.5 एकड़ लैंड की सोसाइटी ने रजिस्ट्री सोसाइटी के नाम से करके दिया है। उसी आधार पर सोसाइटी ने प्लाट धारकों को प्लाट बुकिंग किया। 2002 में नथु जी का देहांत हो गया। श्री नथु जी के देहांत के बाद उनके वारसान अब यह भूमाफिया पैसे के दम पर नागपुर के कुछ अखबार तथा कुछ वेब पोर्टल को पैसा देकर गलत न्यूज लगाने तथा छापने का भी काम कर रहे हैं ताकि समलोचन सोसाइटी का नाम मार्केट में खराब हो। ऐसी जानकारी समलोचन एकता कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अध्यक्ष ने दी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर।